दोस्तों, किसी वेबसाइट जैसे कि youtube.com को एक्सेस करना बिल्कुल एक फोन नंबर डायल करने जैसा होता है, और आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और ये नंबर्स क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य, और आज बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS की। दोस्तों, हर एक वेबसाइट जो हम एक्सेस करते हैं जैसे कि youtube.com या facebook.com, ये एक नाम है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं, और जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू करती हैं, वो एक नंबर होता है। ये बिल्कुल हमारे फोन बुक के कॉन्टैक्ट जैसा है, जैसे कि हम हर एक नंबर को किसी कॉन्टैक्ट के साथ सेव कर लेते हैं, और जब हमें कोई नंबर डायल करना होता है तो हम कॉन्टैक्ट को सर्च करते हैं अपने फोन में, कॉन्टैक्ट को डायल करते हैं, और फोन ऑटोमेटिकली उससे जुड़ा हुआ जो नंबर होता है वो डायल कर देता है। डायल होता है नंबर, आप सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट नेम है वो डोमेन नेम जैसा होता है, और जो नंबर है वो आईपी एड्रेस है। यहाँ पर हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है जैसे कि youtube.com या facebook.com, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस होता है सर्वर का, जहां पे एक्चुअली ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है। अब दोस्तों जानते हैं कि डोमेन नेम कंपोज कैसे होते हैं, डोमेन नेम बने कैसे होते हैं। डोमेन नेम के दो हिस्से होते हैं, जैसे हम सभी के अपने अपने नाम होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, एक फर्स्ट नेम होता है, दूसरा लास्ट नेम होता है। जैसे मेरा पूरा नाम है चंद्रेश सिंह, सिंह मेरा लास्ट नेम है, वैसे ही होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स जैसे कि .com, जो डॉट के बाद वाला हिस्सा होता है वो टॉप लेवल डोमेन होता है, और वो जनरली लास्ट नेम जैसा होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से सिलेक्ट किया जा सकता है, जैसे .com, .gov, .in, .co.in, और फिर आती है फर्स्ट नेम की बारी। फर्स्ट नेम जैसे मेरा चंद्रेश है, वैसे ही होती है सेकंड लेवल डोमेन्स। सेकंड लेवल डोमेन यूट्यूब है या फेसबुक, ये सेकंड लेवल डोमेन है। सेकंड लेवल डोमेन आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप रिजर्व कर सकते हैं इसे, और ये जो रिजर्व करने का काम होता है ये रजिस्ट्रार्स के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे टॉप लेवल डोमेन है, कभी कभी इसके दो हिस्से भी होते हैं, इसमें एक सेकंड लेयर भी होता है, जैसे .gov.in, एक डोमेन नेम है india.gov.in, ये इंडिया की वेबसाइट है। तो इसमें जो टॉप लेवल डोमेन है वो है .gov.in, जिसके दो हिस्से हैं, और जो सेकंड लेवल डोमेन है वो है इंडिया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मिडिल नेम्स होते हैं, कुछ केसेस में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है, वैसे ही कुछ केसेस में टॉप लेवल डोमेन के दो हिस्से होते हैं और सेकंड लेवल डोमेन होती है। इस तरह से टॉप लेवल डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन मिलके एक डोमेन नेम बनाती है। अब जानते हैं कि डोमेन नेम असाइन कौन करता है। तो डोमेन नेम खरीदना या असाइन करना, इसे कहते हैं डोमेन नेम रिजर्व करवाना, और डोमेन नेम रिजर्व करवाते हैं आप किसी डोमेन नेम रजिस्ट्रार से, जैसे कि बिगरॉक या गोडैडी वगैरह, ये डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स हैं। अब ये डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं, और इनको ऑथराइज करता है ICANN, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ICANN एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑथराइज करता है रजिस्ट्रार्स को कि वो डोमेन नेम असाइन करें लोगों को। और आप जानते हैं कि डोमेन नेम रिजॉल्व कैसे होता है। जब आप अपने ब्राउजर में कोई वेब एड्रेस डालते हैं, जैसे कि मैंने youtube.com डाल दिया, अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाती है डोमेन नेम रिजॉल्वर के पास। डोमेन नेम रिजॉल्वर क्या करता है कि अपने पास, उसके पास एक टेबल होती है, वहां पे सारे डोमेन नेम्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वर के एड्रेस होते हैं, सर्वर के आईपी एड्रेस होते हैं, और आपको वो आईपी एड्रेस ब्राउजर को रिटर्न कर दिया जाता है। ब्राउजर फिर उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करने लगता है, और आपको वो वेबसाइट मिल जाती है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस होता है डोमेन नेम रिजॉल्व होने का। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से डोमेन नेम रिजॉल्वर पर जाती है, और फिर रिजॉल्वर से आपके पास वापस आईपी एड्रेस आ जाता है, और उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपका ब्राउजर कनेक्ट हो जाता है। डोमेन नेम रिजॉल्व होने के बाद आप फ्रीली अपनी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे आप किसी वेबसाइट के सर्वर का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए विंडोज के अंदर एक बहुत छोटी सी यूटिलिटी होती है, जो बहुत बेसिक सी यूटिलिटी है, उसे कहते हैं पिंग। पिंग यूटिलिटी के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डोमेन नेम का सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, जिससे आप प्रेजेंटली कनेक्टेड हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि पिंग को यूज कैसे करते हैं, और कैसे आप किसी सर्वर का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं अगर आपको डोमेन नेम पता है तो। दोस्तों, पिंग यूज करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में गया और ping-t-yout-ub.com अपना डोमेन नेम डाला, और ये जो हिस्सा है ये है आईपी एड्रेस का। दोस्तों, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैं कैसे कंटेंट को इम्प्रूव कर सकता हूं, आप आगे क्या देखना चाहते हैं, और आपको कैसा लगे ये वीडियो, ये भी कमेंट्स में बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली डिलीवर होते रहे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।